नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इपिलेप्सी के बारे में, जिसको हम अपस्मार भी कहते हैं, और अगर आम भाषा की बात करें तो हम इसे मिर्गी का दौरा कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो हम कहेंगे इसे सीजर डिसऑर्डर। दोस्तों, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को होश नहीं रहता, उसका शरीर अकड़ जाता है और उसके शरीर के अंगों में झटके लगने शुरू हो जाते हैं, और इस रोग को लेकर लोगों में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपके पास भी आस पड़ोस में कोई बीमार है और उसको आयुर्वेद का इलाज चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप उन नंबरों पर कॉल करें जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह और मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। स्वामी जी, जैसा कि आज हमारा विषय है इपिलेप्सी, तो लोगों ने ना इसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां अपने मन में बना ली हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इपिलेप्सी है क्या। इपिलेप्सी ब्रेन रिलेटेड एक बीमारी है जी, मिर्गी कहते हैं इसको। और इसका रीजन क्या होता है कि माइक्रो सेकेंड के लिए हमारे ब्रेन के अंदर नसों में रक्त संचार का रुक जाना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना। उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। उसके रीजन्स में जैसे किसी को बुखार ज़्यादा है, ब्रेन तक आ गया, तो इनकेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा, तो भी ये सिचुएशन होती है। या बच्चा बचपन में गिर गया है, सिर में चोट लग गई है, हमने उसे केयर नहीं किया, तो ये केस के बाद भी हो जाती है। बहुत सारे रीजन है इपिलेप्सी के, और बहुत तरीके से होता है। कई बार हाँ, बच्चा पैदा होता है तो कई बार डॉक्टरों की छोटी सी लापरवाही से आगे चलकर दिक्कत आती है। कई बार बच्चे का वेट और हेल्थी रहता है, डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं, तो डॉक्टर उस समय वैक्यूम यूज़ करते हैं, यहाँ से इसे पकड़ कर खींचते हैं, तो ऐसे में उसकी नसें अगर सिकुड़ गई हैं तो एक उम्र के बाद में उसको जो है इपिलेप्सी हो जाता है। तो ये भी हार्म होता है उसके लिए, एक एक्यूप्रेशर का भी इस्तेमाल करना। नहीं, एक्यूप्रेशर अभी तो खैर जमाने बदल गया है। बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें होती थी। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है तो पहले कहा जाता कि भाई माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना, ये सारी सिचुएशंस हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जैसा क्लाइमेट सूट हो ना, वही क्लाइमेट देना चाहिए उनको उस तरीके से। और मान लीजिए बच्चा है, बच्चे का गले में नाड़ा अटक गया है, या जन्म लेने के बाद उसके मुंह में गंदा पानी चला गया है, तो अष्टनायु का विकास नहीं होगा। काफी चीजें इपिलेप्सी से मिलती जुलती, वो इपिलेप्सी नहीं होती है। डॉक्टर्स को सबसे पहले ये पहचानना है कि वास्तव में मिर्गी है क्या, वास्तव में ये मराठी लैंग्वेज में इसे फीट कहेंगे है क्या। कुछ बीमारियां इससे मिलती जुलती है। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दौरे कई प्रकार के होते हैं, कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ा है, पर हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि वो मिर्गी का दौरा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत डिफरेंट है इसमें, बिल्कुल बताइए। जैसे मान लीजिए एक आदमी का बीपी अप डाउन हो गया, या किसी बस में से गैस खाकर गिर गया, तो उसका रीजन है उसके शरीर से ठंडा पसीना आएगा जी, और उसके आंखों के आगे अंधकार आने लगेगा, ब्लाइंड होने लगा, और ब्लाइंड होने के बाद उसका नर्वस सिस्टम डाउन होगा और ऑन द स्पॉट गिर जाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन एपिलेप्सी के पेशेंट को जब ये बीमारी होती है या जो गैस आना है, तो उसे बिफोर ज्ञान हो जाता है, उसके पता लग जाता है कि भाई मेरे साथ कुछ होने वाला है। और उसमें जो मुंह है वो थोड़ा सा ऐसा, मतलब ब्रेन में तरंगे बहुत ज्यादा गति से बनेंगी, हायर स्पीड से बनेंगी, और मुंह थोड़ा सा ऐसे ऐसे होते होते एक साइड हो जाएगा, मुंह से झाग आने लगेगा और गर्दन एक साइड में चली जाएगी, या इसी में हाइपर जो होता है उसमें दांत बंद हो जाएंगे। तो ये पहचान होती है कि ये मिर्गी है। अब मिर्गी के लिए क्या कहा गया कि काफी लोगों ने मिर्गी के बारे में जान तक कहते हैं जी, गांव में ऐसी भ्रांति थी कि भाई प्याज का रस डाल दो तो वो औषधि है, वो भ्रांति नहीं है, क्योंकि प्याज के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स है जो उसको मैग्नीशियम के वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है, और ये करीबन 13 सेकंड से 2.5 मिनट तक का ही होता है। इसके बाद अपने आप बंदा नॉर्मल हो जाएगा। इपिलेप्सी के पेशेंट को जो गैस आएंगे 13 सेकंड से 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, इसके बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाना। जैसे किसी पाइप में एक जगह फोल्ड कर देने से पानी रुक जाता है, उसी तरीके से जब हाई तरंगे बनती हैं, ज़्यादा उच्च गति की तरंगे बन जाती हैं, तो मैग्नीशियम टाइप का एक गैस का बबल्स जनरेट हो जाता है ब्लड में। तो ये माना गया है कि किसी भी तरीके से इपिलेप्सी पेशेंट को
बाद में यूरिन तक हो जाता है, ये सारे सिचुएशन है उसके। कहा जाता है कि अगर मिर्गी का दौरा या किसी को दौरे पड़ रहे हैं मिर्गी के, तो वो अगर एक बार लाइफ में पड़ गए हैं तो वो पूरे लाइफ टाइम रहते हैं, क्या ये कहना उचित रहेगा? नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये बीमारी से गुजर कर वैद्य बना हूं, इसलिए मेरा मानना गलत है जी। ये तो दुनिया में आयुर्वेद में हर सब चीज़ों का इलाज है, निर्भर करता है कि आप उसको जानते कितना है और उसका जो आपको औषधि दे रहा है उसकी शुद्धता की गारंटी कितनी है जी। आयुर्वेद में एपिलेप्सी का पूर्ण निदान है, एलोपैथ में नहीं है, होम्यो में नहीं है, यूनानी में नहीं है, सिद्धा में नहीं है। क्या इसका एक कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है? हाँ, होता है, मानसिक तनाव भी होता है। मतलब डिप्रेशन में अगर बंदा है, सोच विचार ज्यादा करता है, तो उसको भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है? नहीं, उसको मिर्गी का दौरा आप कहेंगे बट दैट इंडिकेट्स सिज़ोफोर्निया। ओके, सिज़ोफोर्निया से मिलता जुलता रहेगा वो जी। मतलब तीनों के अलग अलग रीजन है। आपके ब्रेन में 150 बीटा सेल्स है जो सिक्वेंस है। अब आप एक ही विषय पे सोच रहे हो, सोचते सोचते हैंग हो गया, आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया। जब आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, आपने आग पे हाथ रखे, हटाओ, यार्डर ब्रेन करता है ये चीज अच्छा है, इसका जानकारी वही देता है, स्वादिष्ट है, ये कौन देता है? ब्रेन देता है। तो ऐसी स्थिति में करते करते नर्वस सिस्टम डाउन हो गया और आपको चक्कर आ गए, तो एपिलेप्सी नहीं हुआ। अच्छा, उसे आप एपिलेप्सी नहीं कह पाएंगे। लिक्योमिया के सिम्टम्स अलग है, यूनिक हिस्टीरिया सिम्टम्स अलग है, और फीमेल में हिस्टीरिया सिम्टम्स अलग है, जबकि देखने में एक जैसे इनके भाव होते हैं। इसी पर मैं कहना चाहूंगी कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एपिलेप्सी कितने प्रकार की होती है। एपिलेप्सी का मेडिकल साइंस में तो 3 प्रकार बताया इन्होंने, लेकिन हमारे आयुर्वेद में 13 प्रकार बताया गया जी। कृपया हमारे दर्शकों को भी बताएं। तो, आयुर्वेद में जैसे एलोपैथ है जो ओनली 2 टाइप शुगर, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि 18 बात रोग है, मधुमेह त्रयोदशा, 18 प्रकार का बात रोग होता है और 13 प्रकार का मधुमेह होता है, जबकि एलोपैथ में टाइप 1 और टाइप 2 होता है। अब इसमें एपिलेप्सी को मिर्गी कहा गया, इसी को सन्निपात से भी जोड़ा गया। अच्छा, सन्निपात बोलते हैं ना, जिसको सन्निपात छा गया, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, सुन्न हो जाता, बोल रहे हो, तो इस तरीके से 13 चीजें, समय अभाव है जी। तो और जिनको ज्ञान लेना है, माधु निदान व अखंज संहिता की 233वें पेज से लेकर 70 पेज तक जब आप पढ़ेंगे तो मिर्गी के 13 प्रकार का नॉलेज आपको मिलेगा जी। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में आ गई, जैसा कि हमने आज विषय भी रखा है कि एपिलेप्सी को लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं, तो क्या झाड़ फूक जो लोग गाँव में कराने लगते हैं और कहते हैं कि झाड़ फूक के माध्यम से भी हम मिर्गी का दौरा दूर कर सकते हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं, तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ऐसा है, झाड़ फूक से अगर मिर्गी का दौरा ठूक होता था तो मुझे भी खुद को थी जी। तो उसमें मेरे फादर ने तो बहुत सारे प्रयत्न किए थे, तो इससे नहीं होता। होता क्या है, वो एक यूनिक हिस्टीरिया सिम्टम है जिसको वो आस्था या भाव से बोल रहे हैं। वहां पर क्या है कि आदमी बैठा है, बोलता है कि भाई आप ये पानी पी लीजिए और आपको मिर्गी आना बंद हो जाएगा जी। आप ये गोलोचन केसर कस्तूरी भोजपत्र का ये बना दिया और इसे आप लगा दो, आपका मिर्गी आना बंद हो जाएगा, आपके नाम से ज्योति लगा दी। ऐसा नहीं, वो उतनी समय उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। कैसे समझो आपको, सरलता से आप समझिए, जैसे आपका बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, और आप टीचर है तो आप एक बच्चे को डांटते हो तो रोते तो सारे। तो इसी तरीके से वो जो क्लाइमेट पॉजिटिव बन जाता है और उसका आस्था और विश्वास है उतने समय के लिए। लेकिन जहां पे सुनते हो कि भाई झड़वाने से मिर्गी कम हो गई, वहीं लोग बाद में कहते हैं यार थोड़े दिन आराम रहा, बाद में फिर से आ गए जी, जी, जी। तो सनलाइट इफेक्ट है, प्रकृति के परिवर्तन का स्वरूप है, ऋतुओं के परिवर्तन का स्वरूप है, उसके आहार विहार का स्वरूप है। एक माइंड में पॉजिटिविटी हो जाती है कि हाँ इस तरीके से शायद मेरा बच्चा ठीक हो रहा है या मेरे परिवार का बिलीव है। जैसे मान लीजिए आप, आपके सिर में दर्द है और हमने उठा करके एक पीछे से चना का दाना लिया, बोला आपके लिए अमेरिका से ले खा लो, ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक भी होते हैं, बट मैंने तो चना दिया मेडिकल। स्वामी जी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। अपना नाम बताइए। हेमचंद्र शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है कि मैम 1987 से जी मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है, बिना दवाई के नींद लेता ही नहीं हूँ मैं, होती ही नहीं है, बिना दवाई के नींद नहीं होती, और उसमें साइकिल
साइकाइट्रिस्ट ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया वो लेता हूँ मैं जी। लेकिन हाँ, जब मैं घूमने जाता हूँ तो घूमने के दौरान ये मेडिसिन की मात्रा कम तो हो जाती है। एक एक डेढ़ घंटा पैदल घूमने के बाद, 7.5 किलोमीटर घूमने के बाद भी जी जी, मुझे जो नेचुरल स्लीप होना चाहिए वो नहीं है, कतई नहीं है 87 से। इसके बारे में मैंने एक तो ये चीज पूछनी है कि क्या मुझे कोई टेस्ट कराने के बाद स्वामी जी से मुलाकात करनी होगी, तो वो मुझे बता दें कौन से टेस्ट करवा के लेके आऊँ। ब्रेन का जैसे MRI वगैरह है, अगर वो चाहें तो जैसा वो सजेस्ट करेंगे, मैं चाहूंगा कि जैसा भी सजेशन देंगे मैं उसका मानते हुए और आगे की कार्रवाई करूंगा। मुझे उनसे लेकिन मुलाकात फेस टू फेस करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा ये भी बताने की। जी बिल्कुल। देखिए प्रेमचंद जी, आपको पहली बार जितने भी आप इसमें रिपोर्ट कराएंगे सारे रिपोर्ट नॉर्मल मिलेंगे, किसी भी रिपोर्ट नॉर्मल रहेंगे, किसी रिपोर्ट में कोई चीज कोई डिजीज आएगा ही नहीं। आएगा नहीं? अच्छा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये अनिद्रा है, और ये अनिद्रा है, और अनिद्रा का रिलेशन आपकी जीवन शैली पे है। जैसे आप अतीत और वर्तमान का वैचारिक द्वंद जब होता है, और आदमी ने जिस तरीके से परिश्रम किया है उसके बाद उसका फलित अंक जब शून्य आता है। वेरी राइट, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको काउंसिलिंग की जरूरत है। आपके आसपास का क्लाइमेट पॉजिटिव रहे, और साथ में आप अपना ध्यान थोड़ा सुबह उठकर ओंकार की नाद में और चीजों में जब मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बीमारी छोटी है, मानसिक है, डॉक्टर इसमें ज्यादा ज्यादा सिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन या स्लीपिंग डोज देंगे, जिसमें आपका जिलेटिंग बढ़ जाएगा, किडनी आपका साइड इफेक्ट होने लगेगा और आप इरिटेट होने लगेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ देना है इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी, ब्रेन टॉनिक और कॉन्स्टिप्यूशन मेडिसिन। तो आप मिल लीजिए मुझसे, मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 4-6 दिन हूँ यहाँ पर, बाकी कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीसफुल क्लाइमेट चाहिए। और आपने जिनके लिए सब कुछ किया है वो आपको रिस्पेक्ट देने लगे, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। जी स्वामी जी, इनकी बात से मेरे मन में एक और सवाल आया है। जैसे कि ये बोल रहे हैं 87 से ये स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कई लोग पिल्स लेते हैं, पेन किलर्स भी लेते हैं और एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लेते हैं, तो क्या ये भी एक मिर्गी के दौरे का कारण होता है कि दिमाग में वो चीजें घुल जाती हैं? देखिए ये ड्रग्स हो गया जी, ड्रग्स एंटी ड्रग्स हो गया, एंटी ड्रग्स हो गया। इसमें स्लीपिंग डोज लेने से, जैसे हम मान लीजिए कोई चीज का स्वाद लेते हैं कंटिन्यू, या कोई आदमी अल्कोहल ड्रिंक करता है, अचानक ब्रेक करेगा तो उसकी बॉडी डिमांड करती है, वी वांट अल्कोहल जी, और वो तब तक करती रहेगी जब तक उसके शरीर में सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा उस लेवल में नहीं आ जाएगी। होता क्या है कि इनका जो लाइफ है ये वैचारिक है, ये एक तरीके से बैठ करके विचार में रहते हैं, इसका बड़ा साइड इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पर सोचते रहेंगे, हाय ये क्या हुआ, अब आपको कुछ सोचना है, बोलना है, रीजन का पता नहीं है, तो आपका ये ब्रेन है, ब्रेन लार्वा आपका निगेटिव होने लगेगा, अनिद्रा होने लगी, रेटिना हो जाएगा, बहुत सारी इसके डिजीज हैं। तो इसे एपिलेप्सी से तो नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन आयु सीमा बहुत कम हो जाती है इसे बंदे की। अगर ये जरूरत से ज्यादा इस विषय पे सोचता रहा तो इसका बीपी एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम अप हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस 100% बन जाते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप स्वामी जी से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं तो हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9923020287, 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। हम बात कर रहे थे इपिलेप्सी के बारे में, तो उसी पर चर्चा करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, इपिलेप्सी के अगर लक्षणों की बात करें तो क्या क्या लक्षण इपिलेप्सी के पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, इपिलेप्सी के पेशेंट के लक्षणों की अगर बात करें तो सबसे पहले वो वन साइडेड डिसीजन मेकर होगा जी। उसके अंदर कुछ पावर्स ज़्यादा होंगी, ब्रेन बहुत तेज चलेगा, जो करना है सो करेगा, नहीं करना। और आपको एक गुड न्यूज़ बता देंगे, थोड़ा आप पढ़िएगा इतिहास में कि भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें 32-60% लोग इस बीमारी से सफरिंग करके आए हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमें बोला, पढ़ करके देखिए ना आप, जितने भी महापुरुषों को आप पढ़ेंगे वो इस बीमारी से निकल करके ही आए हुए लोग हैं। क्योंकि उसमें आदमी को एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक्सपीरियंस क्या मिलता है कि जैसे आदमी बीमार है तो अपनों के साथ जो बिहेव है वो उसके दिमाग में सो जाता है कि भाई मुझे लोग अब पराया समझ रहे हैं, मुझे लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वो निगेटिविटी उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर देती है कि वो जो चाहता है वो कर लेता है। क्योंकि उसको पता रहता है एक मौत के मुँह से तो बचे, आप क्या मरेंगे। उसको पता रहता है कि भाई जो होना था जो होगा। तो प्रीपल्स लाइफ इज प्रीप्लान्ड आल्सो एंड प्रीप्लानर इज गॉड जी। तो इसमें वन साइडेड बंदा हो जाएगा। दूसरा, उसके फेटी तो होगा ही, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे कि अगर वो नॉर्मल है तो 5 किलो नहीं उठाएगा, और अगर उसमें गुस्सा आ गया तो 100 आदमी के लिए अकेला भारी है, 10 आदमी को भी लगा देगा, क्योंकि ताकत तो आत्मबल से आती है। गैस आने के लिए जैसे मान लीजिए चक्कर खा के गिर जाना, तो अनेक कारण है। बीपी कम होने से गिर सकता है, लीगामेंट घिस गया है तो भी चक्कर खा के गिर सकता है, सिर में क्लॉथ है तो भी गिर सकता है। लेकिन वो गैस आने के बाद कैसे पता लगाएं कि ये एपिलेप्सी का है? तो एपिलेप्सी के लिए सबसे पहले उसके झाँक आना कंपल्सरी है। दांत बंद हो जाएंगे, एक साइड में मुंह चला जाएगा, हाथ पैर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और रोगी को सबसे पहले इसका आभास 5 मिनट से पहले हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आपके बच्चे को एपिलेप्सी है तो आप भीम सैनी कपूर पास में उसके हमेशा रखिए जी। और जैसे ही लगे उसको कि भाई मुझे कुछ होने वाला है, उसको 2-3 बार दोनों नाक से सूंघ ले, वो बला टल जाएगी। और भीम सैनी कपूर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जब कभी आप पहाड़ों में जाएंगे या सफर करने ऊंचाइयों पे तो उनको पहले सचेत किया जाता है, भीम सैनी कपूर जरूर लेके आइएगा। कि ऊपर जाने के बाद जब ऑक्सीजन पतला करने का काम वही करता है, जहाँ आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता उसे सूंघते थे ये जी। आइए कॉलर से बात करते हैं। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरे पति की दवाई लेनी थी जी, बताइए। उसको ना दौरे पड़ते, दिमाग सुन्न हो जाएगा जी। कब से उनको ये प्रॉब्लम? 4 साल हो गए जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप बहन जी? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? लुधियाना। ठीक है, इनको कितने दिनों से दवा चल रही है और कौन सी दवा चला रहे हैं डॉक्टर, आप बता सकते हैं? अंग्रेजी दवाई चल रही है। अंग्रेजी दवा में डॉक्टर इनको ज्यादा से ज्यादा एप्टोन, एपोइलांसी, वालपारिन 2 ऑक्सलेट, इफ्रिकरलिन या नेस्टोफ या इससे मिलती जुलती दवाइयां ही दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसका निदान है, लेकिन एक लंबे अरसे तक 2-3 साल तक की दवाएं आप ले सकते हैं और मंगा लीजिए, 100% इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको एक कोऑपरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। पहला कोऑपरेशन ये कि उनके सामने निगेटिव बातें मत करें, क्योंकि वो रोगी अपने आप को कंपेयर करता है कि दुनिया में जो लोग अच्छे हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम ना करें और उसे इरिटेट ना होने दें। अगर ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो 30% रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएगा और 70% मेरी दवाइयों से मिल जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा, मंगा लीजिए दवा। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं और कई दिनों से आपको अपनी बीमारी का इलाज नहीं प्राप्त हो रहा है, आप अंग्रेजी और एलोपैथिक दवाइयां खा चुके हैं लेकिन कोई निदान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है। बस उसके लिए आपको कॉल करना होगा उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी बढ़ते हैं विषय की ओर। स्वामी जी, देखा जाता है कि अगर किसी लड़की को इपिलेप्सी की शिकायत है तो उसकी शादी तक नहीं होती, और कहा जाता है कि आने वाली जो उसकी पीढ़ी है उस पर भी इसका असर होता है, तो क्या कहना है? सीधे कुछ भ्रांतिवाद लोग ये कह देते हैं कि भाई इसकी शादी कर लो आगे बच्चे होंगे, नहीं ऐसी भी बातें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा वो कहते हैं। बाकी इशूज से इसका कोई लेना देना नहीं होता है,
उसका रीजन क्या होता है कि जब एक पेशेंट को एपिलेप्सी होती है तो एपिलेप्सी होने में उसके छः महीने साल महीने की साल भर की जो एनर्जी वो लेस हो जाती है और उसके अंदर जो तरंगे इतनी तीव्र होती हैं कि वो प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चा सहन नहीं कर सकता, बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा। ओके तो खास तौर से उसको क्योंकि फीमेल बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन किस पे डिपेंड है, प्रोटीन पे, कैल्शियम पे, विटामिन्स पे और बोन मीरो पे। बोन मीरो पे तो सारे ही डिटेक्ट है लेकिन फीमेल में खास तौर से। बिल्कुल। तो कुछ लोग कहते हैं भाई अगर उस लड़की को ऐसा है तो विवाह मत करना, और ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवाह भी किया, उनके बच्चे भी हैं, बड़े बड़े हैं और बच्चों को नहीं है। सबसे पहला कुछ लोग जो भ्रांतिवाद फैला देते हैं कि माँ को था तो बच्चे में भी ये होगा, ऐसा एपिलेप्सी में नहीं है। एपिलेप्सी जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक नहीं है, नहीं है एपिलेप्सी जी। आयुर्वेद के आधार से बिल्कुल ये जेनेटिक नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का और एलोपैथ का इतना 36 का आंकड़ा है कि एलोपैथ कहता है किडनी फेल हो गई, आयुर्वेद कहता है कभी किडनी फेल होती नहीं। कैसे होता ही नहीं है किडनी, कभी आयुर्वेद में फेल होता ही नहीं है। आयुर्वेद में अब जैसे डायबिटीज में आएंगे तो डायबिटीज में आपको इंसुलिन दे रहे हैं, पेनक्रियाज सक्रिय हो ऐसी कोई दवा नहीं दे रहे हैं, हम उस चीज को देते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों का नेचर है कि मैंने जो कहा वही पूर्व दिशा। किडनी सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है, प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाती है, उस समय हमारा क्रिएटिन अनबैलेंस हो जाता है। क्रिएटिन अनबैलेंस हो गया, यूरिक एसिड अनबैलेंस हो गया, तो वो सिकुड़ गई है। अब वो सिकुड़ने के लिए अगर उसमें जो हमें चीजें देनी है अगर हम देते हैं उसको तो अपने आप वो जनरेट हो जाएगी, लेकिन हमारी जितनी भी चीजें हैं वो पूर्ण रूप से ये मान करके चलिए इस जीवन में पेस्टिसाइड युक्त है, मिली भी नहीं रहेगा हमको, हम क्या करें, पेस्टिसाइड ही कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में मैं आपको बता दूं आयुर्वेद स्लो वर्क नहीं करता है, आपने जो ड्रग्स खाए उनके लेवल को कम करने में टाइम लगाते हो और जैसे वो न्यूट्रल होता है तुरंत रिजल्ट आ जाता है। एपिलेप्सी के मरीजों की बात करें कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो वो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए एपिलेप्सी के अगर कोई रोगी है तो सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि आप वाहन मत चलाएं, आग से दूरी बनाए, पानी से दूरी बनाए और ज्यादातर अकेले सफरिंग ना करें। और जब भी आपको ऐसा लगता हो कि भाई अब हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है उस समय आप अपने साथ भीमसेनी कपूर या पिपरमिंट दोनों में से एक जरूर रखिए। आप पिपरमिंट अगर अपने पास रखते हो तो बड़ा नॉर्मल चीज है वो, लेकिन जैसे सिर में पेन होने लगे इतना स्मेल लो तुरंत दर्द खत्म हो जाएगा। स्वामी जी मैंने देखा है कि मिर्गी का एक मेरी सहेली भी थी उसको भी मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो उसके मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाता था, वो क्यों दिया? वो प्रिकॉशन है जी, वो प्रिकॉशन है। पोसले गार्डिनाल करके एक इंजेक्शन भी दिया जाता था खास तौर से उसके लिए, जैसे ये स्थिति है तो ये दांत में प्लेट या लकड़ी लगाया जाता था कि मान लो पेशेंट है और ऐसा करते समय उसकी जुबान अगर बीच में आ गई तो कट जाएगी जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, आपकी संस्था में इसका क्या इलाज है? मेरी संस्था में इसका पूर्ण रूप से इलाज है और इसमें पंचकर्मा, दशकर्मा और औषधियों को मिलाकर के भी इलाज है। तो कुछ पेशेंट अभी तक जहाँ तक लोगों को पंचकर्मा का ज्ञान है लेकिन दशकर्मा होता है आयुर्वेद में जी। और हमारे यहाँ पर हम इसकी जो दवा बनाते हैं ब्रह्मांड ब्राह्मी करके है, ब्रह्मांड पाचक, ब्रह्मांड कल्प, ये तीन ही दवाइयाँ देते हैं हम उनको और साथ में मसाज के एलिमेंट्स और नाक में डालने के लिए देते हैं। और पूर्ण रूप से देखिए थोड़ा सा दर्शकों को बता दें कि अगर आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हो तो एक बार एक दवा बंद मत करना, धीरे धीरे हमारी दवा काम करेगी और ऐसा नहीं कि आईनों को देखा और सूरत बदल गया, स्लो स्पीड में काम करेगी लेकिन 2 साल के अंदर आपको फिर दोबारा किसी अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि एलोपैथ की अगर आप दवा लेते हैं तो पूरे जीवन खाना है आपको, जैसे ही 1 महीने से ज्यादा ब्रेक होगा आपको फिर से ये आने लगेगा। और पुरुष वर्ग को अगर ऐसा है तो उसकी वंश शक्ति से लेकर संतान उत्पन्न तक पीड़ा हो जाती है जी। आइए स्वामी जी एक कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज है जी। मनोज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बताइए अपनी समस्या बताइए। समस्या क्या है, मेरी बेटी है 6.5 साल की, 7.5 साल की, इसको डायबिटीज है टाइप 1 जी। कब से उनको ये शिकायत? अभी हमको 15 जनवरी से मालूम पड़ा है जी। 6 साल की बेटी है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है। आपके परिवार में तो और किसी को था नहीं, है ना? नहीं।
चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद मेरा प्रश्न अटपटा लग सकता है, लेकिन मनोज जी बिल्कुल सीधा जवाब देना। जब ये बच्ची गर्भ में थी तो इसकी माँ फ्रस्ट्रेशन में थी या ज्यादा समय तक उनको टाइफाइड, निमोनिया या ज्वाइंडिस हुआ था? मनोज जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताइए, स्वामी जी ने आपसे एक प्रश्न किया। आप चिंता मुक्त हो जाएगी, आपकी बच्ची को डायबिटीज से मुक्त कराया जाएगा, लेकिन जब तक ये नहीं पता लगेगा कि इस बीमारी होने का रीजन क्या है, कोई औषधि क्या देगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ऐसा मैं जैसे बच्ची गर्भ में थी तो बच्ची की माँ फ्रस्ट्रेशन में रही हो या ज्यादा समय तक बुखार रहा हो, खास तौर से चौथे से और आठवें महीने के अंदर? नहीं। चलिए अभी उनको इंसुलिन कितना दे रहे हैं आप? इंसुलिन उनको हम चार बार दे रहे हैं। कितना कितना यूनिट दे रहे हैं? कितना कितना यूनिट? ये सुबह दो, दोपहर में दो, रात को डेढ़। चलिए आपको, आप काफी पीड़ित लग रहे हैं, आपको पैसे की दवा के अलावा बिना पैसे की दवा बता देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। बाद में मुझे मिलने आना, क्योंकि मेरे लिए बड़े छोटी सी इशू है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। आपने आम्रवेल देखा होगा, पेड़ के ऊपर जो बारीक पतला पतला होता है मनोज जी, पूरे पेड़ को सुखा देता है वो, उसमें इतनी क्षमता कि पेड़ को सुखा दे। डायबिटीज क्या है, आपको उसका कूट करके बिना पानी डाले अर्क निकालना है। अच्छा। बेल को ही तोड़ करके उसे सुखा लो और उसका अर्क निकालना, और सिर्फ 2 ml सुबह, 2 ml शाम को इसे देना चालू करो। और हाँ आम्रवेल का रस, आम्रवेल का रस, पानी नहीं डालना उसमें बिल्कुल, कूट के डालना। हाँ, और इसका चेक करते रहना, कहीं 20 दिन में जरूरत से ज्यादा कम ना हो जाए, उसके बाद आप मुझे बताइए, ठीक है? 2 ml सुबह, 2 ml शाम, पानी नहीं, वो हार्ड है उतना ही। खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से पहले। कितना पहले? 10 मिनट 20 मिनट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं मनोज जी के साथ साथ अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं और उसका समाधान आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है। सिर्फ उसके लिए आपको कॉल करना है उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को एपिलेप्सी के बारे में जानकारी दी और उनकी भ्रांतियां जो उनके मन में है उनको, उनसे दूर करने का एक प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।